हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू दास ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास करके उन सभी विद्यार्थी के लिए है जो इस बार क्लास टेंथ यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। सो मैट्रिक का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, CBSE बोर्ड का भी और हमारे आसाम के सेवा बोर्ड का भी। तो सभी बच्चे फिलहाल बहुत कन्फ्यूजन में है क्योंकि बहुत दिन हो गया उनका एडमिशन का, उन्हें प्रॉपरली नोटिस नहीं आया कब उनका एडमिशन होगा, किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस होगा। सो मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखिए। सो मेरे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है काउंसिल का, जो कि 12th का बोर्ड होता है काउंसिल, जिसके जरिए आपका एडमिशन होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 25 तारीख को मेरे पास आया है। सो इस पर पूरा मेंशन है आपका जो है एडमिशन ऑनलाइन जो होगा, ये आपका कल यानी 29 मई से शुरू होगा, जो कि 9 जून तक होगा। 9 जून तक आप ऑनलाइन के ज़रिए अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एज पर परसेंटेज आपने जो अचीव किया मार्क्स, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा हर इंस्टीट्यूट पर, हर कॉलेज पर। अगर उसमें आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है तभी आपका एडमिशन होगा, वरना आपको वेटिंग लिस्ट में रहना होगा। सो दो नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जून से 12 जून, दो दिन आपका जो ये मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगा। वो पब्लिश होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो फिर सेकेंड लिस्ट फिर से 12 जून को पब्लिश होगा। एडमिशन शुरू होगा आपका 13 जून से 15 जून तक। सो आप जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई का प्रोसेस है दर्पण पोर्टल के जरिए। आप गूगल पर लिख सकते हैं दर्पण असम, दर्पण पोर्टल लिख के आप ऑनलाइन अप्लाई खुद से कर सकते हैं। सो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आना होगा जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है पर पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको रियल फैक्ट दिखा रहा हूँ। ये रहा उस ये सारा इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपको चाहिए जब आप ऑनलाइन HS फर्स्ट ईयर के लिए, 11th के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने आएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपना पासपोर्ट साइज़ एक कॉपी फ़ोटो। सेकेंड आपको चाहिए अपना 10th का मार्कशीट, अगर आपको ओरिजिनल प्रोवाइड किया है आपका बोर्ड से तो ठीक है, वरना जो सॉफ्ट कॉपी है, जो डिजिटल कॉपी है, आपको प्रिंट आउट करके निकल लेना है। थर्ड आपको चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST या OBC से, अगर आप जनरल हैं तो इसका ज़रूरत नहीं है। फोर्थ हो गया डिजेबल सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग है, PWD कैंडिडेट है तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। और एक हो गया लास्ट में देखिए गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने अधूरा छोड़ दिया था मैट्रिक टेंथ क्लियर करके, एक साल दो साल हो चुका है फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या फिर मैरिज परपोज कुछ भी वजह से आपने अधूरा पढ़ाई छोड़ दिया था और आप इस बार चाहते हैं कि 11th में एडमिशन लेना, तो आप गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके ले सकते हैं। सो ये वीडियो मैंने एकदम बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाया एडमिशन प्रोसेस। कल सुबह से एडमिशन शुरू होगा और अगर आपको जानना है पूरा फुल प्रोसेस कि बिना किसी कैफ़े में गए, बिना किसी प्रेस में गए, बिना एप्लीकेशन फ़ीस पे किए, खुद अपना घर बैठे अपना मोबाइल या लैपटॉप से फ्री में कैसे करेंगे एडमिशन, तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊँगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।